इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर में MiG-21 क्रैश हुआ है, MiG-27 क्रैश हुआ है और दोनों पायलट इजेक्ट आउट कर चुके हैं, दोनों पायलट सुरक्षित हैं, ये खबर आ रही है जोधपुर से। बड़ी खबर, MiG-27 क्रैश हुआ है जोधपुर में और दोनों पायलट महफूज हैं, ऐसी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जोधपुर में MiG-27 क्रैश हुआ है और दोनों पायलट सुरक्षित हैं। खबर यह भी आ रही है कि दो लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक और आपको खबर बता दें कि यह पूरा मामला बड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि पिछले साल मई के महीने में भी बंगाल में एक MiG-27 क्रैश हुआ था, पायलट ने इजेक्ट आउट कर दिया था लेकिन दो लोगों की मौत हो गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, जोधपुर में MiG-27 के क्रैश होने की खबर। शरद हमारे साथ है, शरद पूरी खबर बताएं। देखिए, MiG-27 था और ये नियमित उड़ान पे था, यहाँ जोधपुर के करणी नगर कल्याणपुर इलाका है, वहाँ पर जो टेक्निकल खराबी आई, टेक्निकल खराबी आने के बाद दोनों पायलट जो हैं वो इजेक्ट कर गए हैं, लेकिन वो एक छत के से टकराते हुए गिरा है मिग, जिसमें करीब 3 लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो मिग के मलबे हैं वहाँ पर जो सेना के जवान हैं, जो एयरफोर्स के लोग हैं वो अभी पहुंच रहे हैं, पुलिस ने जो वहाँ पर जो डैमेज हुआ है, जो लोग घायल हुए हैं उनको लेकर अस्पताल पहुंचा दिया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से ये हादसा हुआ है। जो पायलट इजेक्ट हुए हैं उन्होंने रक्षा मंत्रालय को बताया है, रक्षा प्रवक्ता के अनुसार कि टेक्निकल खराबी आ गई थी जिसके बाद हम लोगों ने वहाँ इजेक्ट किया और प्लेन को क्रैश होने दिया। आप जो बता रही हैं अपने आप में हैरान करने वाली खबर है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें MiG-27 क्रैश होने की खबर है। शरद एक बार फिर से पूरी खबर बताएं जरा। देखिए, MiG-27 अब से करीब 1 घंटा पहले नियमित उड़ान पर था जोधपुर एयरपोर्ट से, लेकिन टेक्निकल खराबी आ गई जैसा कि पायलट का कहना है, और रियायती इलाके में कल्याणपुर इलाके में वो एक छत से टकराते हुए नीचे गिरा है जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो एयरफोर्स के जवान हैं, जो रक्षा मंत्रालय के लोग हैं वो वहां मौके पर पहुंच गए हैं। जिस तरह से आप हादसा हुआ है, बिल्कुल परखच्चे उड़े हुए हैं MiG-27 के, निश्चित रूप से हैरान करने वाली बात है कि इस तरह से रियायती इलाके में MiG-27 का गिरना, लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी की अभी तक दुर्घटना में कोई जान की हानि नहीं हुई, हालांकि माल हानि